किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने निशाना साधते हुए कहा कि जाने से पहले कुलदीप बिश्नोई से बात कर लेती तो ठीक रहता, अपने और अपनी बेटी के स्वार्थ के लिए कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने कहा कि 2022 में ही बिसात बिछ चुकी थी। कांग्रेस को छोड़ने की जो हरियाणा विधानसभा में घटनाक्रम हुआ, राज्यसभा की वोटिंग के लिए सबने देखा। जो लोग पार्टी में रह के पार्टी के उम्मीदवारों की मुखालफत करते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि आपने मुखालफत करी तो वो अपनी सफाई देने की बजाय पार्टी छोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी बंसीलाल परिवार को, चौधरी बंसीलाल को बहुत बड़ा सम्मान दिया। चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के समय थे और चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में दोबारा आए, कांग्रेस ने इस परिवार को पूरा सम्मान दिया। किरण चौधरी त्रिवेंद्र सिंह की डेथ के बाद जब हरियाणा की राजनीति में आई तो किरण चौधरी को कांग्रेस की सरकार बनते ही मंत्री बनाया गया, जो लगातार जब तक कांग्रेस की सरकार रही मंत्री के पद पर रहे। और किरण चौधरी को सरकार जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी विधायक दल की नेता भी बना। मुझे लगता है कि शायद किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं और जाने से पहले अगर कुलदीप बिश्नोई से बात कर लेती तो शायद ना करती। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, उस पर दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ।